नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करेंगे, जिसमें झारखंड बोर्ड ने एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहां पे जारी किया है, जिसे आप इजीली प्रैक्टिस के लिए लॉगिन करके उसे दे सकते हो ऑनलाइन, और जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला आगे की एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कम्प्लीट प्रोसेस, कैसे आपको इसको लॉगिन करना है और कैसे आपको ये टेस्ट देना है। तो आजकल सारा एग्ज़ाम्स दोस्तों ऑनलाइन होने लग गया है, तो आपको पता ही है। तो जो दोस्तों ने कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, उनको भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ प्रोसेस, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, सारा आपको डिटेल्स में मैं बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ही आप यहाँ पर जो झारखंड बोर्ड की साइट है www.jssc.in, इस पे लॉगिन करना है दोस्तों। जो ही आप इस पे विजिट करते हो तो आपको ये विंडो सामने मिलेगी। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो ही आप लॉगिन करोगे साइट पे, ये विंडो आपके सामने खुलेगी। पहली इसमें दोस्तों ये आपका देख रहा है ग्रीन जो फर्स्ट लाइन है, उसके नीचे वाली जो लाइन है थोड़ा लाइट रेड वाली, इसको आपको देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मॉक टेस्ट फॉर JPRSIWCE 2017 यूज JSST डेमो एज लॉगिन ID एंड पासवर्ड एज 00010111999। तो इस पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे ये आपको एंटर कराएगा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी दोस्तों। ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो यूज़र आईडी, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करवा रहा है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करवा रहा है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपका ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ना ही कोई आपकी लॉगिन आईडी डालनी है। यहाँ पे मैं बताता हूँ वहाँ पर आपको क्यों एंटर करना है। जो ही यहाँ पर आपको यूज़र नेम पर क्लिक करना है और आपको इसमें एंटर करना है जो मैं एंटर कर रहा हूँ, JSSC Demo DEMO। ये JSSC डेमो कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस आपको एंटर करना है। नीचे आपको एंटर करनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको 01 01 और 1999 ये आपको एंटर करना है। जो ही एंटर करोगे आइकन का एक या बॉक्स दिख रहा है, इसको राइट मार्क लगाना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपके पास एक और नई विंडो खुलेगी दोस्तों। नई विंडो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें आपको कुछ नहीं ओनली डेट्स और लैंग्वेज सेलेक्ट करवाएगा। जो ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे आपकी, जो भी आप जिस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हो, इंग्लिश हिंदी, जैसे मैं हिंदी में आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आई कन्फर्म पे वापस से राइट निशान लगाना है क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू करोगे ये विंडो आपके पास खुलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मोबाइल में अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, फिर भी मैं थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा जस्ट इसको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक मिनट क्लिक करके। ये अगर आप PC यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको एंड लॉगिन करने में, लेकिन यहाँ पे ये क्या मोबाइल में थोड़ा सा ढंग से ये पेज सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको बार बार क्लिक करोगे उस वाले पेज को, तो ये विंडो आपके पास खुल के आ जाएगी। वो तो ये देख रहे हो आप नई विंडो यहाँ पर, जिसमें आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें आपके पास सब कुछ डिटेल्स में दिख जाएगा, आपको प्रश्न पत्र जो डिटेल्स मतलब कि जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो विंडो एग्ज़ाम में दिखती है आपको, वो विंडो यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम में विंडो होती जो फर्स्ट यहाँ पे पेज दिखता है क्वेश्चन पेपर में, वो यही दिखता है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिखे होते हैं यहाँ पे, कितने क्वेश्चन है वो दिखे होते लिखे होते हैं, 120 क्वेश्चन यहाँ पे, ये सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में क्वेश्चन कितने पे कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, कि जैसे कि झारखंड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो जनरल साइंस है उससे 20 है, मैथमेटिक्स से 20 है, ऐसे सब कुछ यहाँ पे मेंटल एबिलिटी से 20 है, बेसिक कंप्यूटर से 20 है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। कुछ यहाँ पे अवधि टाइम वगैरह सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देना दे रहा है। ये 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है इनको पढ़ने के लिए, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आप नेक्स्ट करोगे आई कन्फर्म, ये तो ऑनलाइन टेस्ट है नहीं ओरिजिनल, तो यहाँ पे तो आप इनको पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ ले जरूर, और उसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पे राइट मार्क पे क्लिक करें और स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक कर दे दोस्तों।
जो ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे आपके पास आपका एग्ज़ाम पेपर सामने दिखेगा आपको। तो ये प्रोसेस चल रही है दोस्तों, अभी देखिए लोडिंग योर टेस्ट, और ये आपके सामने आपका टेस्ट यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे आपको कैसे इसको यूज़ करना है मैं बता देता हूँ आपको, कैसे आपको टेस्ट देना है। अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पार्ट है वो जनरल साइंस का खुलता है, जो फर्स्ट यहाँ पे पेपर वो वैसे ही खुलता है, उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स ये है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ। आप चाहते हो कि मैं जनरल साइंस पहले नहीं करूँगा, मैं तो मेंटल मैथमेटिक्स पहले करूँगा या फिर मेंटल एबिलिटी पहले करूँगा, तो जो सब्जेक्ट आप पहले करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर लीजिए, आपका वो पेपर खुल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आप जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर जैसे हमने कंप्यूटर का क्वेश्चन करना है, तो हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि कीबोर्ड का उपयोग कर कार्ड रीडर करने के बाद निम्न में से कौन सी डिवाइस डेटा को स्टोर करती है। तो यहाँ पे जो मेमोरी है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट। तो यहाँ पे जो भी आंसर है उस पर क्लिक करना है आपको, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका गलती से मान लो आपका ये आंसर लग गया और आप नहीं चाहते हो मेरा ये आंसर सही हो, मैं तो ये वाला करना चाहता हूँ, तो आप क्लियर कर सकते हैं उसे, या फिर उसे छोड़ना चाहते हैं। यहाँ से देखो अभी इसे दूसरा तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ना ही चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल जैसे कि आता नहीं आपको छोड़ना ही इसको स्किप करना, तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए सारा, यहाँ से बिल्कुल आंसर हट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है। अगर आप प्रीवियस जानना चाहते हो, पीछे की ओर जाना चाहते हो, तो यहाँ से प्रीवियस वाले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपका प्रीवियस आ जाएगा। ये सारा नेक्स्ट प्रीवियस ये सारा यहाँ पे प्रोसेस है। आप अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, हिंदी में आपने सेलेक्ट करी लेकिन अब आप कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखना चाहते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी पे क्लिक करिए, इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी में दिखेगा आपका पेपर। यहाँ पे आपके सामने ऐसे ही कंप्यूटर में भी टाइम चलता रहेगा, जो एग्ज़ाम है वहाँ पे चलता रहेगा साइड में। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे का ऐसे ही वहाँ पे होता है दोस्तों। तो ये अच्छे से आप इसको पूरे पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करें, आपका टाइम मैनेज करके। यहाँ इस टेस्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूँ ये टेस्ट वैसे है तो ऑफिशियली यहाँ पे जो पुलिस रेडियो SI की जो पोस्ट थी उसके लिए निकाला है, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा, और आप कोई भी पोस्ट के लिए आपने झारखंड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने इसकी पोस्ट के लिए नहीं भरा हो लेकिन कोई भी अदर एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो झारखंड, या फिर कोई सी भी झारखंड के अलावा भी, तो ये टेस्ट आपको ज़रूर देना है दोस्तों। इससे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। जो दोस्त नए हैं उन्होंने पहली बार जो ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको, तो इसको मिस ना करें दोस्तों। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये निकाला है ना यहाँ पर मॉक टेस्ट JSSC ने। तो ये आज इस वीडियो में मैंने बताया, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के और नए नोटिस जो भी रिलीज होते हैं मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।